ये अशोक जी के साथ गलत कर रहे हैं सचिन जी, जनता परेशान है, अशोक जी को काम ही नहीं करने दे रही है। इनको थोड़ा संयम बरतना चाहिए था पायलट साहब को। वो उस बात को कह रहे हैं जिस बात को 5 साल तक प्रशासन ने काम नहीं किया, रोका। नमस्कार, आप देख रहे हैं द अफेक इंडिया, मैं हूं आपके साथ वनिस गौड़। राजस्थान में अभी घमासान चल रहा है, 6 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, 4.5 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। तब तक जितने भी नेता है राजस्थान में वो अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, अपनी अपनी जो रणनीति है उस पर काम कर रहे हैं। वहीं सचिन पायलट जो आक्रामक नज़र आ रहे हैं, अपने तेवर दिखा रहे हैं, अपनी सरकार पर और बीजेपी पर दोनों पर निशाना साध दिया है। उन्होंने 2 मुद्दे उठाए हैं, एक मुद्दा है पेपर लीक का, दूसरा मुद्दा है वसुंधरा राजे के कार्यकाल में जो घोटाले हुए थे, कथित घोटाले, उनका जो मुद्दा है। तो हम लोगों से बातचीत करने के लिए फील्ड में आए हैं कि लोगों की क्या राय है, जो कुछ भी राजस्थान में हो रहा है इस पर इनकी राय क्या है, क्या चाहते हैं राजस्थान में, कैसी सरकार होनी चाहिए, कौन सा नेता अच्छा काम कर रहा है और कौन सा नेता राजस्थान को सुधार सकता है, जो आवाज़ उठा रहा है कोई, तो उस पर इनकी क्या राय है। तो उनसे बातचीत करते हैं, आइए। क्या नाम है सर आपका? हरीश चौधरी, सब डेगाना, सब बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो ये राजस्थान में अभी सचिन पायलट, अशोक गहलोत, जो अनबन चल रही है बीजेपी में भी अनबन चल रही है, इस पर क्या राय है आपकी? देखो सब अनबन के लिए तो अलग बात है, और सचिन पायलट साहब जो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं वो युवाओं के लिए कर रहे हैं, राजस्थान के लिए कर रहे हैं। वो उस बात को कह रहे हैं जिस बात को 5 साल तक प्रशासन ने काम नहीं किया, रोका। तो सचिन पायलट को जो लीडरशिप सौंप कर या आलाकमान उनको जिम्मेदारी देता है लीडरशिप के लिए, वो बदलाव चाहते भी है राजस्थान में, आवाज़ उठा भी रहे हैं, वो कहते हैं कि व्यवस्था बदलनी है मुझे, जिस तरह से उन्होंने अजमेर से अपनी संघर्ष यात्रा शुरू की थी और अभी भी आंदोलन करने की चेतावनी दे रहे हैं, अल्टीमेटम दे दिया सरकार, तो इससे क्या कुछ हो जाएगा राजस्थान में? लोगों को उससे बहुत कुछ ऊर्जा मिलेगी, कुछ बोलने को मिलेगा, कुछ कहने को मिलेगा, कुछ सुनने को मिलेगा, कुछ संगठित होने को मिलेगा। कि वो बार बार एक बात कहते हैं कि भाई जो हमने अपने 5 साल पूरे करने हैं और वो घोषणाएं जो अपन ने की है, वो घोषणाएं आज दिन तक अपन लागू नहीं कर सके, करप्शन के ऊपर लागू नहीं कर सके, दूसरी कोई चीज़ के ऊपर अपन लागू नहीं कर सके। तो कम से कम पायलट साहब की बात को मानना चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि पायलट साहब बहुत बड़े कोई पदाधिकारी बन गए, मगर पायलट साहब ने जब राजस्थान के अंदर प्रदेश अध्यक्ष की हैसियत से चुनाव लड़ा, उस वक्त ये सारे लोग कहाँ गए थे जो आज इनके खिलाफ बोल रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि जब प्रदेश अध्यक्ष थे सचिन पायलट, चुनाव हुआ था 2018 वाला, उस समय जितने भी बाकी के राज्यों में चुनाव हुए थे वहाँ पर जितने भी प्रदेश अध्यक्ष थे उनको ही मुख्यमंत्री बनाया गया था। आपका क्या नाम है? मेरा नाम रूप सिंह चौहान। क्या लगता है कि राजस्थान में जो सियासी घमासान चल रहा है, अभी जंग चल रही है सचिन पायलट अशोक गहलोत के बीच, तो क्या लगता है सुलझ जाएगी दोनों के बीच ये जंग? नहीं सुलझेगी, नहीं सुलझेगी। मुख्यमंत्री कौन बनेगा राजस्थान? बीजेपी का मुख्यमंत्री बनेगा, बीजेपी पार्टी का। कौन लगता है कि कौन हकदार है, कौन दावेदार है बीजेपी से? अभी है एक बाबा है योगी जैसे बाबा, मठ के अलवर मठ के वो बनेंगे, बालकनाथ, बाबा बालकनाथ जो सांसद है, इनका ये कहना है कि वो बनेंगे। वो क्यों बनेंगे? वो ईमानदार आदमी है योगी जैसे, और ऐसा ही मुख्यमंत्री राजस्थान को चाहिए। चाहिए, चाहिए। क्या काम करते हो आप? मैं ऑटो चलाता हूँ। ऑटो चलाते हो, तो इनका कहना है कि जो बालकनाथ है, अलवर सांसद है, वो बनेंगे मुख्यमंत्री बीजेपी से। और हमारे साथ आप बने रहिए, हम कुछ और लोगों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि जो राजनीति में चल रहा है, चुनाव में कुछ अब चंद महीने बचे हैं, तब तक कौन नेता जो आलाकमान है, बीजेपी का आलाकमान हो या कांग्रेस का आलाकमान हो, किसको कमान सौंपता है? क्योंकि जिस प्रकार से कर्नाटक में भी चुनाव हुए थे, उसमें नरेंद्र मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया, वहाँ पर किसी स्थानीय नेता को प्राथमिकता नहीं दी गई थी, इधर आ जाइए थोड़ा, नहीं दी गई थी, और वहाँ पर मोदी के चेहरे पर चुनाव लड़ा गया लेकिन बीजेपी चुनाव हार गई। वहीं ये यहाँ राजस्थान में भी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश थी, यही रणनीति यहाँ राजस्थान में थी कि राजस्थान में अब ये बीजेपी आला कमान बदल सकती है और वसुंधरा राजे को कमान सौंप सकती है, ऐसा सूत्रों के अनुसार, और खबरें भी उठ रही है गलियारों में, सियासी गलियारों में। तो हमारे साथ कुछ और यहाँ पे लोग हैं, इनसे बातचीत करते हैं कि इनकी क्या राय है जो चल रहा है राजस्थान में। क्या नाम है आपका? कृपाल सिंह सरवड़ी। कृपाल सिंह जी, जो ये राजस्थान में चल रहा है बीजेपी कांग्रेस अंदरूनी खींचतान चल रही है, खेमेबाजी चल रही है, इस पर क्या राय है आपकी? ये अशोक जी के साथ गलत कर रहे हैं सचिन जी। अशोक जी वास्तव में जादूगर हैं, वो बड़ी स्थिति को समझते हैं, राजस्थान की स्थिति को बहुत अच्छी तरह से समझते हैं, वो सीएम भी रहे हुए हैं। अब जो ये
कर रहे हैं सचिन साहब, इनको समझना चाहिए राजस्थान की स्थिति क्या है। आने वाले टाइम में चुनाव आ रहे हैं, ये बगावती तेवर कर रहे हैं, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप कह रहे हो ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो जो मुद्दे उठा रहे, एक मुद्दा तो उन्होंने उठाया बीजेपी के कार्यकाल में जो घोटाले हुए थे, एक मुद्दा उठाया पेपर लीक जो हो जाता है, राजस्थान में पेपर लीक काफ़ी होते हैं, 16 पेपर लीक हो गए तकरीबन अभी तक। हाँ तो उस पर तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन इस तरीके से थोड़ी होती है। वो भी सरकार का हिस्सा है, वो भी सचिन जी भी सरकार का हिस्सा ही है, तो ऐसा थोड़ी होता है। ये तो राजनीति अलग हो रही है, वो तो पार्टी बनाने आपका कहना है सचिन पायलट भी गलत कर रहे हैं, वो तरीका है वो गलत है। एक समाज को साथ लेकर के कोई ऐसे थोड़ी होता है, एक समाज के वोट थोड़ी चाहिए, सभी समाज के वोट चाहिए, सर्वधर्म का राजस्थान है। एक समाज मतलब वो गुजर समाज पर राजनीति कर रहे हैं, ऐसा थोड़ी होता है। जो अभी उन्होंने संघर्ष यात्रा निकाली थी, उस दौरान वहाँ पे देखा गया था कि जाट भी वहाँ पे काफ़ी लोग पहुँचे थे, जब सभा की थी यहाँ पे, अंतिम दिन था समापन, वहाँ पे काफ़ी जाट भी पहुँचे थे। अजी ऐसा नहीं है, ये अजमेर से जयपुर तक ही थोड़ी है राजस्थान, राजस्थान बहुत है, बहुत बड़ा राजस्थान है, 33 ज़िले हैं, 33 ज़िले हैं, और ज़िले बने, नए ज़िले बने, उनमें डेवलप होना चाहिए। जनता परेशान है, अशोक जी को काम ही नहीं करने दे रही है। अच्छा, अशोक गहलोत को काम करने से रोक रहेगी? रोक रहे क्या, डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो सबको पता, आम जनता बताएगी, और कोई बड़ी बात नहीं है। ये अशोक दोबारा रिपीट भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अच्छा, मतलब आप कह रहे हो कि वापस भी आ सकते हैं? हाँ, वापस आ सकते हैं, पर जिस प्रकार से ये चल रहे खेमेबंदी है, और मतलब जिस प्रकार से बयानबाजी होती है, गुटबाजी है, उससे नुकसान नहीं होगा कांग्रेस को? ये कोई कांग्रेस को नुकसान नहीं होगा। अशोक गहलोत जी का पिछला कार्यकाल देखा हुआ लोगों का, सरकार ऑफिसों में बढ़िया काम होता था, जन जन तक, गाँव गाँव तक, अंतिम छोर तक, वहाँ अशोक जी की वो जितनी भी वो है सब गई है वहाँ। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम सिराज अहमद है। आपका क्या कहना है जो राजस्थान में चल रहा है, इस पर आपकी क्या राय है? राजस्थान में बहुत अच्छा चल रहा है इस समय, कि आप ये देखिए कि गहलोत साहब ने आम जन के हित में राहत शिविर लगा रखे हैं, आम जन को बिजली में राहत दी जा रही है, स्वास्थ्य को लेकर के देखिए आप कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर आम जनता के लिए स्वास्थ्य का कितना बड़ा फ़ायदा पहुँचाया गया है। ठीक है, तो 25 लाख का जो स्वास्थ्य का है वो वहाँ पे किया है, और 10 लाख का दुर्घटना बीमा है, ये ऐलान किया है उन्होंने, तो इससे आप खुश हैं? बिल्कुल, मेरे खुश होने से नहीं, पूरी राजस्थान की जनता खुश है। तो सचिन पायलट पर लेकर क्या मानना है आपका? सचिन पायलट पर, सचिन पायलट जी का, इनको थोड़ा संयम बरतना चाहिए था, पायलट साहब को, इतनी जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। इससे हो क्या रहा है कि सचिन पायलट जी का जो स्तर है वो थोड़ा सा डाउन हो रहा है, जबकि वो बहुत अच्छे लीडर हैं, पूरे देश में उनका नाम है, लेकिन तो ये भी कुछ भी जनसंघर्ष यात्रा निकाली, अनशन किया, अब आंदोलन करने की भी चेतावनी दे दी है, अल्टीमेटम भी दे दिया अपनी सरकार, तो इससे तो इनका नीचे हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, जो छवि है, बिल्कुल छवि, पायलट साहब की छवि जो है इससे डाउन हो रही है, आलाकमान की नज़रों में भी और राजस्थान की जनता की नज़रों में भी उनकी छवि कम हो रही है। तो अभी आलाकमान क्या निर्णय ले सकता है सचिन पायलट को लेकर? नहीं, आलाकमान तो कोई निर्णय नहीं लेगा इसमें, भाई आप मन के राजा हैं, आप करिए आपको जो करना है। भाई आपने फ्री हैंड कर दिया राजस्थान में दोनों नेताओं को, जो करना है वो करो। नहीं नहीं नहीं, फ्री हैंड नहीं किया है भाई, जो सही कर रहा है उसके साथ है आला कमान। अब गहलोत साहब सही हैं तो गहलोत साहब के साथ होंगे, और पायलट साहब सही हैं तो पायलट साहब के साथ आला कमान है। तो मुख्यमंत्री के लिए ये माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री के लिए लड़ाई हो रही है, लीडरशिप में बदलाव चाहते हैं सचिन पायलट, और अशोक गहलोत चाहते हैं कि मैं जो कर रहा हूँ मुझे एक्सपीरियंस है। अशोक गहलोत के पास काफ़ी नेता विधायक है, ज़्यादा विधायकों की संख्या है अशोक गहलोत के पास, तो क्या लगता है कि अशोक गहलोत ही दावेदार रहेंगे और जो ये चेहरा है वो अशोक गहलोत ही रहेंगे आगामी विधानसभा चुनाव के लिए? देखिए, विधायकों से या किसी नेता के कहने पर मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाता है, देश की जनता, राजस्थान की जनता जिसको चाहेगी उसको मुख्यमंत्री बनाएगी। राजस्थान की जनता चाहेगी कि गहलोत, जनता हो आप, जनता हो आप, किसको बनाओगे? मेरी नज़र में तो जो राजस्थान का विकास करे, राजस्थान के आम जन के हित में। नाम नाम बताइए आप। नाम तो अभी देखिए, अभी वर्तमान में तो गहलोत साहब है मुख्यमंत्री, तो गहलोत साहब तो आज अच्छा काम कर रहे हैं। ये यहाँ पे कुछ लोग मिले थे, काफ़ी उन्होंने अच्छे से अपने जो बात रखी, उनका कहना है कि जो सचिन पायलट कह रहे हैं उनकी छवि उनसे ख़राब होगी, और अशोक गहलोत जो योजनाओं कर रहे हैं, पब्लिक के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, उन्हें एक्सपीरियंस है, पहले से मुख्यमंत्री रह चुके हैं, तो अशोक गहलोत ही दावेदार हो सकते हैं चुनाव के लिए। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।